दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 16 अक्टूबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाए हुए हैं। सबसे पहले यहां पर अपडेट देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास, पुलिस से तीखी नोकझोंक, इको गार्डन पहुँचाए गए। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने रविवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों से तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने उन्हें बसों में जो है वर करके इको गार्डन छोड़ दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस ने कहा कि आज छुट्टी का दिन है, आज आपको कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आज प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। इसके सापेक्ष निकाली गई 68 सीट की लिस्ट जो है हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। ऐसे में सरकार अब हाईकोर्ट में आरक्षण के मुद्दे को निस्तारित कराने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। इससे आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि मंत्री संदीप सिंह से न्याय मांगने गए थे। तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कल यहाँ पर देखो अपडेट है कि कॉलेजों ने स्नातक प्रवेश के लिए जारी किए नए कट ऑफ। तो कई ऐसे कॉलेज हैं प्रयागराज में जिन्होंने स्नातक के लिए नए कट ऑफ जारी कर दिए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज का कट ऑफ है, CMP डिग्री कॉलेज का ये कट ऑफ है, अलग अलग स्ट्रीम का BA, BSc, BCom बहुत से हैं, कैटेगरी वाइज दिया गया है। और भी कई सारे यहाँ पर हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पर अपडेट है कि PCS मुख्य परीक्षा में विषय हटने से भी घटी BA की मांग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस बार BA की 15% सीटें खाली रह गई हैं। कॉलेजों में हालत और ख़राब है। संगठक महाविद्यालयों में तो 50% तक सीटें खाली पड़ी हैं। इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, जिसमें से एक कारण PCS मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषयों का हटाया जाना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय एवं अन्य कॉलेजों में BA में दाखिले की खिड़की सभी के लिए खोल दी गई है। यहाँ तक कि कुछ कॉलेजों में तो उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिए जा रहे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में शामिल ही नहीं हुए थे, यानी CUET में। तो अगर आप अपने अभी तक ग्रेजुएशन में प्रवेश नहीं लिया तो आपके पास मौका है। यहाँ पर बिना CUET एग्जाम के भी यहाँ पर कुछ कॉलेज एडमिशन ले रहे हैं। यहाँ देखो अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रतीक्षा सूची होगी जारी, मांगा विवरण। तो उच्च शिक्षा निदेशालय प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को विज्ञापन संख्या 50 के तहत वेटिंग लिस्ट से भरने जा रहा है। इसके लिए निदेशालय ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशालयों से रिक्त पदों का विवरण मांगा है। निदेशालय इसी हफ्ते वेटिंग लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। वेटिंग लिस्ट आने के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। तो शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत जिसमें 2002 पदों पर भर्ती की गई है, काफ़ी पद खाली चले गए जहां पर अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो उन पदों को अब वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा। विवरण मांगा गया है और बताया जा रहा है इसी हफ्ते आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होने की सूचना दी गई है। यहाँ पर देखो एक नए आयोग के इंतजार में फंसी नई भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती भी होनी है। विज्ञापन संख्या 51 पद यहाँ पर 1017, इन पर आवेदन ले लिए गए। 1,00,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया है, लेकिन नए आयोग के कारण यहाँ पर एग्जाम डेट जारी नहीं हो पा रही है और नए आयोग को ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करानी है। तो कुल मिलाकर के नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इसी के फेर में फंसी हुई है। 1326 अभ्यर्थी आज देंगे अनुवादक परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवादक और सीनियर हिंदी अनुवादक के 307 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा सोमवार को 9 से 11 के बीच करवाई जाएगी। इस परीक्षा के लिए SSC मध्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रयागराज समेत 7 शहरों में 8 केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए डीलेड को लेकर के अपडेट आ गई। डीलेड की फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, अब दूसरे फेज की, दूसरे राउंड की यहाँ पर काउंसलिंग होनी है। आपको बता दें फर्स्ट फेज में 4 चरणों की काउंसलिंग हुई है, तो उसमें कुल मिलाकर के जो है 98,000 सीटें आवंटित की गई थी, ठीक है। इसमें 9,435 सीटें डायट की थी और निजी कॉलेजों की 89,005 थी। तो अब यहाँ पर जो सीटें लॉक कर गई थी, आवंटित की गई थी, उनमें से देखा जाए कितने लोगों ने एडमिशन लिया है। उसके बाद बताया गया है कि
परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर 17 अक्टूबर तक डाटा अपलोड कर दिया जाएगा कि कितनी सीटें भरी गई हैं, कितनी सीटें खाली हैं। दूसरे चरण में NIC के पोर्टल के जरिए 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक संस्था आवंटन होगा। दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 20 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। प्रशिक्षण 21 नवंबर से शुरू होगा। पहले चरण में प्रदेश के 67 डायटों और ये यहाँ पर कुल मिलाकर कितनी सीटें आवंटित हुई जो मैंने अभी आपको डाटा बताया। तो 26 अक्टूबर से आपके सेकंड फेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। जो भी डीएलएड करना चाहते हैं फर्स्ट फेज में उनका नहीं हो पाया तो सेकंड राउंड के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, 26 अक्टूबर से शुरू होगी प्रक्रिया। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के नई नोटिस जारी कर दी गई है। यहाँ बताया गया कि 24 से 26 तारीख के जो बीच जो परीक्षाएँ करवाई गई थी PRT TGT और PGT की, उनकी जो आंसर की थी वो यहाँ पर जारी की गई थी, ठीक है। और इसके बाद द्वितीय आंसर की भी आयोग द्वारा जारी की गई थी, तो दो आंसर की जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर फाइनल आंसर की जारी की गई है। तो द्वितीय आंसर की जो जारी की गई थी इसमें कुछ त्रुटियाँ रह गई थी, तो उन त्रुटियों का यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने विशेषज्ञों से निस्तारण करवाया है। तो बताया गया है समीक्षोपरांत यानी समीक्षा के उपरांत कुछ विषयों के द्वितीय औपबंधिक उत्तर कुंजी में संशोधन किया गया है। अतः जो है आप लोग अपने उत्तर कुंजी जो है 15/10 से आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं, यानी कल से ही रात में जारी कर दी गई, तो आप लोगों को ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके साथ ही governmentjobcenter.com पर भी फाइनल आंसर की आप लोग चेकआउट कर पाएंगे। UP TGT भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर के एक बार फिर से अपडेट आ गई है। डेली न्यूज निकल के आ रही है, आज भी आई हुई, देखिए कि नकली शिक्षक के 9 दिन बाद पहुंचे असली शिक्षक। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में TGT 2013 के फर्जी पैनल के आधार पर संबल और बलरामपुर में ही नहीं मुजफ्फरनगर में भी शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति हुई है। हाईकोर्ट के आदेश पर इस प्रकरण की विजिलेंस जाँच के लिए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सतर्कता विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को 13 अक्टूबर को पत्र लिखा है। मजे की बात यह है कि जालसाज तो फर्जी आदेश पर एक अभ्यर्थी का संयोजन कराने में सफल हो गए थे, लेकिन 9 दिन बाद ही असली शिक्षक के पहुंचने पर फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो गया। जालसाजों ने अमित कुमार श्रीवास्तव के नाम से TGT 2013 के तहत कला के पद पर बाबूराम सिंह इंटर कॉलेज बमराला संभल में समायोजित किए जाने का फर्जी पैनल 16/2021 को जारी किया था। डियाज संभल ने फर्जी पैनल का सत्यापन किए बगैर अमित श्रीवास्तव को कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश स्कूल प्रबंधक को 8 सितंबर 2021 को जारी किया था। कुल मिलाकर के पहले नकली शिक्षक पहुंचा, इसके बाद असली शिक्षक पहुंचा, तब भंडाफोड़ इसका हुआ। और अभी तक 2 जिलों की बात थी, अब 3 जिलों की बात यहाँ पर शुरू हो गई है, यानी कि अब संभल भी इसमें शामिल, मुजफ्फरनगर भी इसमें शामिल हो गया। पहले बलरामपुर संभल थे और यहाँ पर मुजफ्फरनगर भी शामिल हो गया, यहाँ भी फर्जीवाड़ा हुआ है। इसी प्रकार बताया गया मुजफ्फरनगर में जो है कुल मिलाकर के 3 फर्जी नियुक्तियाँ हुई हैं। तो धीरे धीरे खुलासा हो रहा है, हो सकता है और भी जिले हों जहाँ पर इस तरह फर्जी नियुक्तियाँ हुई हों। अंत में देखो यहाँ पर सूचना कि दिल्ली में शिक्षक पदों पर नियुक्ति में सामने आया फर्जीवाड़ा। दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्ति मामले में गड़बड़ी सामने आ रही है। हैरानी की बात यह है कि अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त 7 शिक्षकों में से सिर्फ एक का ही अनुभव प्रमाण पत्र सही पाया गया है। 3 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, तो 3 अन्य के प्रमाण पत्र जारी करने वाले स्कूल और कोई जो है सहायक दस्तावेज नहीं दे पाए। तो यहाँ पर देखिए बताया गया 2007 बैच के IAS अधिकारी उदित प्रकाश राय इन दिनों निलंबित हैं। सतर्कता निदेशालय और शिक्षा विभाग की 187 पेज की रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसमें शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों की स्कूल वालों से मिलीभगत की जांच जरूरत है बताई गई है। 2021 में स्कूल ऑफ दिल्ली तमिल एजुकेशन में 7 शिक्षकों ने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाई थी, जिसमें TGT अंग्रेजी लक्ष्मी ठाकुर का अनुभव प्रमाण पत्र सही पाया गया है। 2021 में भर्ती आई थिंक ये हुई थी, तो उसमें ये मामला निकल के आया है जिसमें बताया गया है कि फर्जी दस्तावेज यहाँ पर लगाए गए हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। अगर आप ये न्यूज़ डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करना चाहें, कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।